انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ इस नागरिकता संशोधन विधेयक कानून, नागरिकता संशोधन कानून NPR NRC के विरोध में, यानी कि इस काले कानून के विरोध में आज की मजलिस की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मुजीबुर्रहमान साहब, संचालनकर्ता श्री निशार अहमद साहब, वार्ड पार्षद मोहम्मद शाह खान साहब, वार्ड पार्षद श्री सतराज साहब, सदस्य अरमान खान साहब, नगर अध्यक्ष राजद के श्री मिराज खान साहब, मदन यादव जी पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, श्री चंदेश्वर सिंह जी, माननीय भूचुल यादव जी जिप्सानंद जी पूर्व जिला पार्षद, गौरव जी जगदीशपुर से आए हुए हैं पूर्व जिला पार्षद, सलाद खुर्शीद साहब, हैदर खान साहब, अफरोज आलम जी वार्ड पार्षद, श्री जयंत कुमार जी युवा जिला महासचिव राजद, नियाज अहमद साहब पुराने हमारे लोग हैं, संजय कुमार जी, अक्षय कुमार जी प्रखंड अध्यक्ष राजद, बिट्टू यादव जी, ठीक है, एवं मंच पर सत्यनारायण यादव जी। इस काले कानून के खिलाफ आज हमारे बीच हमारी माताएं, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक बहुत दिनों से, जब से ये काला कानून आया है, पार्लियामेंट से इसको दोनों सदनों से पास कराया गया है, तब से इस देश में, पूरे देश में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे लोग विचलित हो रहे हैं। 5 मिनट। वो विचलित क्यों हो रहे हैं? ये नागरिकता संशोधन कानून कैसा आया है? क्यों लोगों के जहन में इस तरह की बातें आ रही है कि इस कानून के लागू होने के बाद हमारे देश में यहाँ भी अपने अधिकार के लिए जिस तरह से जगी है, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि आपके अधिकार को छीनने का काम करेगा। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ, अरे जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, जब हिटलर शाही नहीं चली तो, अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम किसी भी कीमत पर NPR और NRC तो लागू होने ही नहीं देंगे। कानून बना दिया है लोग, नागरिकता संशोधन कानून बना करके किस तरह से हमें और आपको धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। आज शाहीन बाग की स्थिति क्या है आपने देखा होगा। ये BJP के लोग नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं दिल्ली में कि हिंदू मुस्लिम की राइट हो जाए। इनके नेता लोग क्या कहते हैं कि इन लोगों को मारो, गोली मारो इन लोगों को, और इनके कहने से ही लोग गोली मारने पर भी तैयार हो गए। ये बड़े शर्म की बात है। इस देश का हमारा हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश का नागरिक है। आजादी दिलाने में हम सबों का समान तरीके से अधिकार है। ये लोग कहां थे, ये लोग कहां थे
इस देश को आजाद दिलाने के समय में मैं भारत सरकार में मंत्री थी। मैं अंडमान निकोबार गई, वहां के सेलुलर जेल में हमने देखा जिसको कि काला पानी कहा जाता था। आजादी की लड़ाई में जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उस लड़ाई में इन लोगों को काला पानी दिया गया था। वो यहाँ का अंडमान निकोबार एक मिनी हिंदुस्तान है। वहाँ हर जाति, हर धर्म, हर काम के लोग वहाँ पर रहते हैं। मैंने देखा सेलुलर जेल में जो लिस्ट टंगी हुई थी उसमें हमारे माइनोरिटीज भाइयों के भी बराबर की हिस्सेदारी थी। बराबर में लोगों ने अपने अपने प्राणों की आहुति को देने का काम किया था। फिर आज बांटने वाले तुम क्यों बनते? तुम क्यों चाहते हो कि हम भाई भाई, हम आपसी जो हमारा भाईचारा है, जो प्रेम है, उसको हम कैसे बांटने देंगे? इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं गया भी गई थी, गया में भी लगातार शाहीन बाग वाला जो नजारा है, वही नजारा आज हर जगह देखने को मिल रहा है। लोगों ने कहा, गया में मैं जब गई थी, मैं गया में दो दो बार दो दो जगह गई, वहां भी मैंने देखा जो खातिन हमारी महिलाएं थी, उन लोगों का जो जज्बा हमने देखा, जो उनके हौसले को देखा हमने, मुझे लगा जहां पर गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों पहिया और हमारा यूथ मिल करके, बेटियां यूथ हमारी मिल करके, चारों पहिया हमारे गाड़ी के मजबूत है, हम किसी भी कीमत पर इनके सामने झुकने वाले नहीं। और यहां तो मेरा जन्म हुआ है, यहाँ की एक एक गलिया, एक एक आंगन, एक एक बहने, एक एक भाई, सब लोग हमें जानते हैं। यहीं से तो हमारा जन्म हुआ और ये हमारी जन्मस्थली है। मिराज ने कहा ऐसे ऐसे चल रही है, कुछ और लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं आऊंगी, निश्चित तौर पर आऊंगी, कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन अपना जहां जन्म मेरा हुआ है, जहां से हमारी शुरुआत हुई है, जहां से जमनी तहजीब हमारी जो हमको मिलने को देखने को मिला था, इफ्तार की पार्टियों में साथ बैठ के कतारों में हम खाना खाने का काम करते थे, वे सर जमी को, इस जमी को मैं कैसे भूल सकती हूँ, उन लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। और यही वजह है देर से आई, दो घंटा विलंब से आई, हमारी बहनों को काफी तकलीफ हुआ। इसके लिए भी मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी कि मैं भी आपके आंगन की बेटी हूँ, देर हो ही जाती है, कुछ लोगों से मिलते जुलते, लोगों की बातों को सुनते हुए, लेकिन मैं जब भी आऊंगी, आप जब भी आवाज दो, ये कांति सिंह आपके सामने हमेशा खड़ी रहेगी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपसे ये जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, जिस भी लड़ाई में आप हमें आवाज दो, जिस तरह से आज आप कह रहे हो, आवाज दो हमें, उसी हालत में आज मैं अपने आप ऐसे भी कहती हूँ कि मैं एक हूँ और एक हूँ और एक ही रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।